नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज। बात की जाए जींद की, जींद जो है हरियाणा की सियासत को गरमाने वाला एक ऐसा ज़िला है जहां से हरियाणा की राजनीति शुरू होती है और हरियाणा की राजनीति के बड़े आयाम स्थापित होते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जींद की शुगर मिल पर किसानों ने ताला जड़ दिया है और जींद के किसान और जींद के जवान, बात की जाए पुलिस और किसान आमने सामने खड़े हैं। बात करते हैं यहाँ से, सरपंच साहब हैं गांव से, बालाराम बराकुर जी, बालाराम पहल बराकुर जी सरपंच जी, आज किसानों को जींद शुगर मिल पर क्यों धरना देना पड़ा? भाई साहब ऐसा है, किसान भी परेशान है, सरपंच बने रहो भी परेशान है, हरेक आदमी परेशान है। आज का दिन कोई सुखी नहीं है, इस सरकार के रहे जानगेड़ी में ऐसा आ रहा है, जुन भी हाथ लाओ उसे कहीं सीधी आवे है, कुछ कर दी तो सही नहीं इनका जानगेड़ी ऐसे आ रहे है। देखो किसान भी कितने परेशान है, कोई अपना गंडा फसल खराब कर कराती नहीं है, ये परेशान हो रहे हैं। नोड़ा मिल थाम दिया, न्यूनता सरपंच बने रहे हुए भी परेशान है। क्या मांग है किसानों की सरकार से, क्या मांग? मांग तो यह है जो जिया सरकार कितने दिन हो बनी ने इश्तियाती 10 रुपया फालतू नहीं बढ़ाए हैं जी। बताओ के 500 रुपया क्विंटल गंडा कर दो और किसान ना के मांगे, किसान खुश हो जाएंगे। का धरना रहेगा? धरना का नहीं बेरा भाई, हमने मन करे एक नुगे नु छोड़ने पड़ जा, हमने डर दे भाई, हमने तो ऊन ऊन मत हम बुढ़े नु का दे भाई, हम किसी से पहले नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ हो जी हम गेला छोड़ांगे। ये तो सभी को पता है, सरकार पिछले एक साल से, वैसे तो जब से बीजेपी सरकार आई तब से ही रोडों पे बैठे हैं, कभी कर्मचारी कभी किसान। किसानों की तो पिछले 3 साल से सरकार ने ऐसी हालत कर रखी है, हर रोज रोडों पे रहते हैं, कभी गन्ने के रेट को लेकर, कभी व्यापारी, कभी आड़ती, कभी कोई। लेकिन आज यहाँ जो किसान इकट्ठा हुए हैं वो गन्ने के रेट को लेकर हुए हैं, पिछले 3 महीने से संघर्षरत हैं भी, हमारी जो किसानों की फसल का रेट है वो हमें जायज मिले। 450 रुपये क्विंटल हमारा रेट है, वो कई बार प्रशासन से मीटिंग भी हो चुकी है लेकिन हर बार फेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सरकार हमसे वादा करती है लेकिन बाहर आने के बाद वादा खिलाफी करती है। मैं तो यहाँ ही शुगर मिल में जो बैठे हैं अधिकारी उनसे भी पूछना चाहती हूँ, 10 बार आपके दरवाजे पे आ ली और पिछले 1.5 महीने से यहाँ धरना चल रहा है, तो आप क्यों नहीं सूद लेते? वो भी तो किसानों के बेटे हैं, क्या वो कहीं और से आए हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदा किया उनको? सबसे बड़ी गलती तो हमारे यहाँ बैठे अधिकारियों की है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ किसान इकट्ठा होते हैं हर बार प्रशासन को आगे डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या प्रशासन हमारे भाई नहीं है? किस लिए उनको सिर से ऊंचा लठ लेके भेज दिया जाता है? क्या मांगे आज आपकी? आज हमारी मांगे है शुगर मिल में जो हमारा गन्ना आता है उसका रेट बढ़ा जाए, 400 रुपये प्रति क्विंटल हमारा, 450 रुपये प्रति क्विंटल हमारा गन्ना का रेट किया जाए, और जो आगे आने वाले हमारे बॉन्ड आते हैं, पर्चियाँ मिलती हैं, वो हमें समय के अनुसार दी जाए। जो अपने पड़ोसी राज्य है उसमें ज्यादा रेट है गन्ने का? हमसे ज्यादा रेट है वहाँ पर, कौन से? पंजाब में भी, राजस्थान में भी और यूपी में भी हमसे ज्यादा रेट है, और हम यही तो बोले भाई उनके बराबर ही तो मांग रहे, उनसे ज्यादा तो नहीं मांग रहे, सरकार फिर भी वादा खिलाफी करती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सारी गंदी नीतियाँ हरियाणा में ही लागू होंगी क्या? चाहे यहाँ पर गन्ने का रेट ले लो, चाहे यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए ले लो, चाहे यहाँ पर बेटियों की शिक्षा के लिए ले लो, चाहे यहाँ पर सरपंचों का ले लो, किसी भी मुद्दे को ले लो, सारी गलत नीतियाँ हरियाणा में ही लागू की जा रही है। और मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, ये सारी गलत नीतियों का विरोध करने के लिए सभी किसान संगठन, सभी सरपंच, सभी खिलाड़ी, हर एक वर्ग इकट्ठा हो चुका है। कविता जी, कृषि मंत्री से आपका कोई प्रतिनिधि मंडल मिला है या नहीं मिला है इस बात को लेकर? हम कई बार मिल चुके हैं उनसे, लेकिन वो वहाँ जाने के बाद क्या बोलते हैं, कई बार तो उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है भाई वो हमारी मर्यादा के खिलाफ होती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ये समझ कर भी हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मंत्री हैं, माननीय हैं, तो हम उन्हें बख्श देते हैं। लेकिन अभी हम उनको बताना चाहते हैं, जब भी आप वादा खिलाफी करेंगे या अभद्र शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अगला धरना आपके दरवाजे के बाहर होगा। आरोप है किसी मंत्री पर आपके साथ? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल हर बार करते हैं, जब भी उनसे मीटिंग होती है तो वो ये बोलते हैं, मन न करा था भाई, तुम भी तो मन न बोलो हो। अरे ये तो आपसी भाईचारे की बात, अगर आप हमारे लिए गलत नीतियाँ लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं तो बड़ास निकलेगी, और वो बड़ास को वो गलत वे से ले जाते हैं। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनाई थोड़ी है, वो जिस मंत्री पद पर बैठे हैं उस मंत्री पद से दुश्मनाई है हमारी, हमारे लिए सही नीतियाँ लागू करें, हम ऐसा कुछ भी ना करेंगे। मेरा नाम कविता गोयत, एक्स सरपंच खरकराम जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान संघर्ष समिति। आज किसानों द्वारा गन्ने के रेट को बढ़ाए जाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और गन्ने की आवक को बंद कर दिया गया है। तो अभी मिल के अंदर जो है कल सुबह तक का 4-5 बजे तक का गन्ना की पिड़ाई के लिए गन्ना अवेलेबल है, और मिल अभी
शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। किसानों द्वारा बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और गन्ने का आव को बंद कर दिया गया है। शुगर मिल को तबाह कर दिया गया। हाँ, शुगर मिल को वही मैं बता रहा हूँ कि गन्ने की आव को बंद कर दिया गया है और प्रदर्शन मिल से बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। गेट में ताला लगाया सर? गेट पे रोक दिया है, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि गेट पे बाहर उन्होंने टेंट लगा के और गेट की आव को रोक दिया है, गंदराने नहीं दिया जा रहा है उसको। मिल को कितना नुकसान होने? मिल को अभी तो मिल चल रही है, मिल को कितना नुकसान होगा ये तो सारे फैक्टर्स काउंटिंग की जाती है, उसके बाद ही पता चलता है कि मिल को क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं नुकसान हुआ है, ये तो जब रिजल्ट टीम के आएंगे उसके बाद ही बताया जा सकता है। तो किन मांगों को लेकर सर किसान प्रदर्शन करेगी, कौन सी यूनियन है? किसान यूनियन का तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन कौन सी यूनियन बैठी हुई है, लेकिन गन्ना किसान कुछ बैठे हुए हैं और लगभग किसानों द्वारा लगातार मेरे पास भी जैसे उन्होंने हमने डिमांड रखी थी गन्ना किसानों द्वारा कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, तो उसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूरे हरियाणा में सर? पूरे हरियाणा में सभी मिल में चल रहा है, लगभग मेरी 5-6 मिलों में बात हुई है, मिल्स जो MD जो उनसे बात हुई उन्होंने भी यही बताया कि गन्ना के आवक को रोक दिया गया है। तो कितना रेट चल रहा है सर फिलहाल? अभी 362 रुपये गन्ने का रेट चल रहा है प्रति क्विंटल। तो किसान कह रहे सर जो पड़ोसी राज्य है उनमें गन्ने का रेट ज़्यादा है? नहीं, सभी पड़ोसी राज्यों में तो गन्ने का रेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन पंजाब में जरूर हरियाणा से ज़्यादा रेट है, जो लगभग 380 रुपये प्रति क्विंटल का रेट है पंजाब, बाकी अन्य राज्यों में ज़्यादा रेट नहीं है हरियाणा से, एक पंजाब द्वारा अभी बढ़ाया गया तो उसी को लेकर किसान जिसे मिल रही है और कह रहे हैं कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। मैं प्रवीण कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शुगर मिल जीन। हमारे साथ जुड़ी हैं किसान नेत्री हैं, बात करते हैं जीन शुगर मिल पर क्यों धरना दिया है, क्यों ताला लगाया है, कब तक का धरना रहेगा? मैडम नमस्कार। नमस्कार भाई, बढ़िया। अनिता जी, क्यों ताला लगाया मैं जीन शुगर मिल पर? देखो भाई, ये तो रेट गन्ना का मुद्दा चल रहा था, 450 का रेट मांगा किसान, सरकार ने 362 का रेट दे रखा है, अरे 1 रुपया उसमें तभी रखे 361 का देवे हैं, जिसमें कि वो भी पूरा नहीं मिलता इनती। और भाई दूसरी बात, इनका 450 का रेट है, जब तक 450 का रेट नहीं मिलेगा जब तक ये ताला लगा रहेगा, 400 रुपये क्विंटल तो ये खोई भी कहे। और भाई गन्ना का रेट 362, इसमें तो फिर मैं लिखो 62 रुपये लीटर भी कहे, जब तक भाई किसानों को पूरा वो नहीं मिलेगा, जब तक किसान यहाँ से ना तो ताड़ा खोलेंगे ना किसान उड़े तो उठेंगे। 5 तारीख से लगातार धरना है, सरकार ने जो कह के मानेंगे किसान ने। वही 26 जनवरी नजदीक आने वाली है, वही किसान है, वही टोल है और वही आंदोलन है। हाँ जी, कब तक का ये धरना रहेगा? धरना जब तक बोल दिया 450 का रेट नहीं मिलेगा, हमने 26 तारीख तक कुछ नहीं लेना भाई, 26 जनवरी हम यहीं मनाएंगे। धन्यवाद।